और आज भाइयों मैं पहुंचा हूं हापुड़ में नेहा एग्रीकल्चर स्टोर पे। तो भाइयों आज मैं यहां पे अपना ट्रेंचर लेकर आया था, काफ़ी समय से भैया जी से बात हो रही थी, तो आज बड़े समय बाद मिलना हुआ और वो भी बहाने से आ गया है यहां पे। तो हमारे सामने तो चौधरी साहब है चिंदौड़ी गांव से, इन्होंने जो है ऑटोमेटिक वाली मशीन ली है, छोटे ट्रैक्टर वाली। तो भाइयों पहले तो मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ जो इनकी मशीन तैयार हुई है। जो भी हमारे किसान भाई ट्रेंच विधि के गन्ने के किसान यहाँ से मशीन लेके गए हैं या कहीं से भी ऑटोमेटिक मशीन है, तो पहले तो भैया जी इसे दिखाएंगे इसका कार्य किस तरीके से, इसकी सेटिंग वगैरह करनी है, किस तरीके से चलानी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहले मैं आपको भैया जी से मिलवा दूँ एक बार, यहाँ के जो ओनर है। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? नमस्कार जी। नमस्कार भैया जी, पहले तो थोड़ा सा एक बार आप अपना परिचय दो जी। मेरा नाम यामिन है, यामिन लोहार जी। जी, और आपकी जो दुकान है ये हापुड़ में? ये नेहा एग्रीकल्चर स्टोर, थोड़ा पैंट किठोड़ रोड हापुड़। अच्छा अच्छा, तो जी आपने जैसे ये मशीन तैयार करी, तो थोड़े से अपने किसान भाइयों के लिए सर, आप जैसे आप इसका डेमो दिखा रहे जी, तो एक वीडियो सोचा कि किसानों के लिए हो जाए, कोई समस्या उन्हें ना आवे, वे इसमें अच्छा सच्चा देख ले, तो आप अपनी मशीन पहले दिखावे। ठीक है जी, ये भाइयों इन्होंने जो है ट्रैक्टर तो कोई लेकर आता नहीं किसान, तो अपना ये मोटर का सिस्टम बना रखा है देख लो आप, और यहाँ से ही चेकिंग करके कोई पाइप लीकेज वगैरह ना हो किसी भी प्रकार की, तो कंप्लीट करके देते हैं। तो जो हमारे किसान भाई आए हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, थोड़ा सा तो अपना बताओ जी, अपना परिचय दो जी। मेरा नाम वीरेंद्र है जी। जी, गांव चिंदौड़ी। अच्छा अच्छा, तो चौधरी साहब अभी नया ट्रैक्टर लेकर आया है और आज उसके कृषि यंत्र यहाँ से लेने के लिए आया है। तो जी ये मशीन आपने तैयार करवाई, तो इसका आज पूरा पहले तो समझो आप। हाँ जी समझेंगे, और आपके साथ साथ में जो हमारे किसान भाई और देखेंगे वीडियो में भी समझेंगे। तो आ जाओ भैया जी, एक बार बताओ थोड़ा सा इसके बारे में। इसमें पहले तो आप बता दो कि क्या क्या चीज़ आपने पंप वगैरह कौन सा लगा रखा है। देखिए इसमें पंप जेपी किसान का ओरिजिनल पंप है, 70 नंबर। अच्छा अच्छा, 70 नंबर का जी। अब ये है कि बड़े ट्रैक्टर पे इस्तेमाल बड़ा ही होता है, लेकिन हम छोटे पे बड़े पंप लगा के दे रहे हैं। अच्छा, छोटे पे बड़ा। हाँ, क्योंकि 2 घन चलती हैं कि जो पंप जल्दी खराब ना हो। जी जी, तो कंपनी का पंप है 70 नंबर, पूरा 70 नंबर है। यहाँ से देख लो भाइयों, नेम प्लेट पर पूरा समझ में आ जाएगा आपको। और ये खुदा हुआ भी ऐसे ही, और 300 लीटर का ओरिएंट का 5-स्टार टैंक है। अच्छा, तीन लेयर में हाँ, 3 लेयर। हाँ, धूप पार नहीं होगी, दवाई खराब नहीं होगी, चाहे सुबह शाम भर के रख दो। अच्छा अच्छा, हाँ, इसकी खूबी टैंक की ये है कि दवाई मतलब खराब नहीं होने की। जी जी, बाकी इसके साथ पानी भरने का भी ऑटो फिलिंग भी है, अपना ओदी में चाहे नदी नाले में जहाँ भी पानी भरना पानी भर लो। ठीक ठीक ठीक, और आपका छोटे मतलब 4-5 फुट गन्ने के लिए ये हो गया। ठीक जी, ये ओरिजिनल जो इटली की है। अच्छा अच्छा, ये जो जी जी, और नीचे कोरोजन का जुगाड़ है लगा हुआ जी। ये भाइयों कोरोजन के लिए देख लो, ऑटोमेटिक मशीन है, बहुत बढ़िया डिमांड आ रही है इनके किसानों का, बहुत बढ़िया काम। और ये अपना 1 mm पानी गिरना या -1.2 mm पानी गिरना, तो अपना जैसा मर्जी गिर लो। ठीक ठीक, सारी एडजस्टेबल है, जैसे मर्जी गिर लो, दूसरे खोड़ में, एक खोड़ में, तीन खोड़ों में, मतलब पानी बराबर फेंक दिए किधर को भी। ठीक ठीक, बंद चालू अपने हाथ से कर लो, उसे ही एंगल पर कर ले। हाँ जी हाँ हाँ, और अपना फिर घुमा के मतलब बंद कीजिए, अपना किसानों घर लेगा नहीं है। ठीक ठीक, तो ये अपना घर आ जाएगी इस तरीके से, बंद हो जाएगी। हाँ, ये बंद हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक, और बाकी अपना लगभग 12 फुट का हम मतलब गारंटी से दे रहे हैं, जो 12 फुट खड़े करने पे स्प्रे कर देगी। अच्छा, ये आपको 12 फुट तक जाएगा। हाँ, बाकी किसान ये बता रहे कि 14 फुट तक भी आराम से स्प्रे कर रही है। अच्छा अच्छा, जो लेकर गए जी। हाँ, लेकर गए हम तो 12 तक की जो है जिम्मेदारी। हाँ जी हाँ जी, लेकिन उससे ऊपर कर दिए तो वो बढ़िया है। तो थोड़ा सा अपने किसान भाइयों के लिए बताओ जी, जैसा आपका नीचे का सिस्टम चलाना था उसके लिए सबसे पहले तो जी। देखिए सबसे पहले तो ये है कि आदमी जब भी इस्तेमाल करेगा छोटे गन्ने पे, तो यही करता है, पोजीशन यही होगी। हाँ जी, यही पोजीशन है। तो ये 2 पाइप आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, एक पंप से ये आ गया, अपना एक यहाँ लगाना है और एक उधर पहुँच गया पल्ले साइड। ठीक 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 है जी। हाँ जी, उसके बाद हम फिर वापस पंप पर जाएंगे। ठीक ठीक, अपना हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट है। हाँ जी, तो दोनों वाल खोल दिए ये दोनों। ठीक जी, अच्छा वाल दोनों खोल लें जी। इसमें प्रेशर की कोई जरूरत नहीं पड़ने की। जी जी, 0 प्रेशर पे चलेगा, जीरो पे घड़ी रहेगी, बिल्कुल 0 पे। अच्छा, ये प्रेशर बनाने वाला है जी आपका। हाँ, ये प्रेशर घटाना बढ़ाना यही करेगा। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। ठीक ठीक, अब मान लो आपको कोरोजन करनी है, तो बस ये 1 सेकंड का ये काम है अपना, ये खोलना है हमें। ये खुल गया, ये और ये नीचे लग जाएगा। ठीक, ये हमारा कोरोजन का हो गया जी पोजीशन। अच्छा अच्छा, वाल दोनों खुले रहेंगे, वाल हम फिर एक बंद कर देंगे। हाँ, एक बंद करना पड़ेगा, एक से दोनों में आ गया। हाँ, अपना ये एक बंद कर दिया हमने उधर के उधर का। ठीक, फिर हमारा कोरोजन का काम शुरू हो गया। अच्छा जी, ठीक है जी। अब हमारा आता है ऊपर का मामला। ठीक ठीक, दोनों का। हाँ जी, पाइप को खोल लो। ठीक जी, ये हमारा खुल गया। अच्छा, फिर हमारा जोड़ना है।
अच्छा अच्छा ठीक, ये दोनों जगह का कनेक्शन है ना जी। एक ही चाय वाला पाइप इधर ले लो, चाहे कोई सा भी कुछ कर लो। ये टी लग रही है आपकी, ये टी लग गई और ये हमारा ऊपर का पोजिशन हाँ जी चालू हो गया। बस ये तीनों चीजें हमारे, तो ये ऊपर का आपका चल जाएगा हाँ। तो एक बार इसे चलवा का और दिखाओ जी थोड़ा आप। ठीक है जी। तो देखिए भाइयों, अभी जो है हम आपको पूरा इस मशीन का डेमो दिखाओगे, यही मिस्त्री यहाँ पर कंप्लीट ये यहाँ से चेक करके भी देते हैं इसे। तो हाँ जी अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी, ये देख लो भाइयों प्रेशर देखो मशीन का, यहाँ से प्रेशर बढ़ा रहे हैं ये। हमारा 20% प्रेशर है। हाँ जी हाँ जी, मान लो हमें और जोर तो ये हमारा 25 खोल दिया जी। ठीक ठीक भाइयों, प्रेशर भी देख लो साथ के साथ में, जबरदस्त बारिश थी कर दी पीछे तो इन्हें एक बीघा कवर कर देगी, एक बीघा हाँ एक बीघा में जाएगी हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों देख लो ऑटोमेटिक स्प्रे मशीन, पहले ऊपर का चल रहा है प्रेशर देखो, हाँ देखो भाप बना दी भाई, ये देखो भाइयों फुहारा बदला गया आपकी बार में भाई, वाह बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। ये हमें प्रेशर कम करना पड़ेगा फुहारा पे, हाँ पानी कम हो गया ना उनका हाँ, तो धुआं धुआं देना है तो पानी तो कम जाएगा फिर। तो ये हम प्रेशर को बिल्कुल नॉर्मल कर देंगे, नॉर्मल ही कर देंगे जब धुआं देख ठीक ठीक कम। एक ही पाइप का खेल है था जी, एक हाँ। खेल है ज्यादातर तो नहीं ज्यादा का एक ही है बस, लाइन बराबर वाली में दोनों चल रहे हैं, इसमें तो दोनों चल रहे हैं, दो ही वाले तीसरा फुट वाली में दोनों चला ना, तो ज्यादातर ऊपर लिए में भी नीचे लिए में एक का ही काम होगा, तीसरा तो खुला रहने ही, वो तो टैंक में सारा जी है, टैंक का ही वो तो भरना तो चला, चलो ये तो ठीक है इसमें जैसे इसी से दर्द का काम ना कोई लंबा छोटा। चलो भाई भाई बंद कर दो भाई, कर दे भाई, तो इसमें थोड़ी सी भरने की और बताओ आप पानी किस तरीके से भरा जाएगा।